हाय एवरीवन, दिस इज़ किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बिना लहसुन प्याज के पकोड़े वाली कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज जो हम पकोड़े बनाने वाले हैं वो एकदम ही सॉफ्ट रुई की तरह मुलायम बनने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं नो अनियन गार्लिक पकौड़ा कढ़ी की रेसिपी। तो कढ़ी के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप बेसन ले लिया एक बोल में। इसमें हम ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1/8 टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे, जैसा कि हम भजियों के लिए तैयार करते हैं। धीरे धीरे करके पानी ऐड करते जाएंगे और फेंटते जाएंगे, और बैटर को हम अच्छे से फेंटेंगे ताकि हमारे सॉफ्ट पकौड़े बन के तैयार हो। तो बढ़िया कंसिस्टेंसी आ चुकी है, तो बैटर हमारा एकदम रेडी है। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। अच्छे से फेंट देंगे और अब हम गरम तेल में इनको भी तल लेंगे। ऑयल मीडियम हॉट है, फ्लेम भी मीडियम है। इस तरह से कढ़ाई में पकौड़े डालें, आप चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सभी पकौड़े डल चुके हैं, अब इनको अच्छा सा हम गोल्डन कलर आने तक कुक कर लेंगे। तो लीजिए हमारे पकोड़े भी रेडी है, इनको निकाल लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया पकोड़े बने हैं, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं और कितने बढ़िया बने हैं। देखिए ये कढ़ी को बहुत ही अच्छे से अब्सॉर्ब करने वाले हैं और कढ़ी में भीगने के बाद ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम 3 कप दही। बर्तन में हम पानी डाल के उसको हिला के वो भी डाल देंगे और थोड़ा पानी और ऐड करेंगे अलग से। टोटल हम 1 कप पानी डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 बड़े चम्मच बेसन और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, और अब जार बंद करके इसको अच्छे से हम चला लेंगे। दही से आप जब भी कढ़ी बनाएं तो मिक्सर जार में ही इसको फेंटे, इससे फटने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच घी, शुद्ध घी। आप चाहें तो ऑयल में कढ़ी को फ्राई कर सकते हैं, पर शुद्ध घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सबसे पहले हम डालेंगे 1/8 टीस्पून मेथी दाने, 1 चुटकी हींग, 1/2 छोटा चम्मच जीरा। इनको कुछ सेकंड के लिए कुक कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून हम कसा हुआ अदरक डाल देंगे, इसमें भून लेंगे अच्छे से कच्चापन जाने तक। और अब इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के हम करी पत्ते डाल देंगे बारीक कटे हुए, अच्छे से पका लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको कुक कर लेंगे हम गरम कढ़ाई में ही। और अब हम इसमें हमारा फेटा हुआ दही डाल देंगे, अभी भी फ्लेम ऑफ है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब फ्लेम ऑन कर देंगे और चलाते हुए इसको उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे जैसे कढ़ी पकेगी वैसे वैसे हल्दी का कलर आएगा अच्छा। तो कढ़ी में उबाल आ चुका है, देखिए आप। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच चीनी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, इससे टेस्ट बैलेंस होता है। दही हमारा मीडियम खट्टा है, बहुत खट्टा नहीं है। मिक्स कर लेंगे और अब इसको धीमी आंच पे हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, कढ़ी हमारी ऑलमोस्ट पक गई है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। और कढ़ी हमारी रेडी है, एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी आ चुकी है इसकी, देखिए। अब इस स्टेज पे हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। हमने सारे पकोड़े ऐड नहीं किए हैं, कुछ पकोड़े बचा लिए हैं। सारे पकोड़े डालने से कढ़ी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए हम कुछ ही पकोड़े डाल रहे हैं। अब हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है, अब इसका तड़का प्रिपेयर करेंगे हम। इसके लिए यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच शुद्ध घी ले लिया है तड़का पैन में। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई, राई फटने के बाद इसमें 1/2 छोटा चम्मच हम जीरा डाल देंगे, 4-5 खड़ी लाल मिर्ची डाल देंगे और कुछ करी पत्ते डाल देंगे कटे हुए। फ्लेम ऑफ कर देंगे और मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तड़का रेडी है, अब इसे हम कढ़ी पर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ सेकेंड्स के लिए और कुक करेंगे और हमारी कढ़ी तैयार है, इसे सर्व कर लेंगे। देखिए कितने सॉफ्ट पकोड़े बने हैं, और आप देख सकते हैं इन पकोड़ों ने कढ़ी को कितने अच्छे से अब्सॉर्ब किया है। कि तो यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब आपसे मुलाकात होगी अगली नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।